हम एक्सेल 2013 आपको आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपसे देखेंगे कि एक्सेल 2013 को हम कैसे यूज करते हैं। तो 13 सुटेबल है, कोई और वर्जन सीखना है आपको? ओके तो सबसे पहले हम बात कर, हाँ, थोड़ा सा नया चीज आ गई है इसमें। तो 2013 में सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। नॉर्मल तो रो एंड कॉलम क्या होता है आपको पता ही है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, क्या शीट क्या होता है, शीट कैसे ऐड करते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा ना सर। तो हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं एक्सेल के VVA के फंक्शंस के बारे में, हम लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्सेल की लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि मेरा मानना है जब भी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो मुझे एक्सेल की लिमिटेशन कैसे पता चलेगी? तो एक्सेल की लिमिटेशन जानने के लिए आप F1 प्रेस कीजिए या फिर ये जो हेल्प मेनू बार है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आपके सामने जो दिखेगा वो एक्सेल हेल्प आ जाएगा। हाँ, एक्सेल हेल्प आ जाएगा। इसके सर्च बार में जो है आप टाइप कीजिए लिमिट्स। लिमिट जो करना है कर लीजिए। ये आ गया आपका एक्सेलिफिकेशन से लिमिट्स। जैसे कि कल मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि एक्सेल के अंदर में जब भी हम कोई प्रोग्राम कुछ एक्सेल के बारे में कुछ ढूंढना होता है तो जनरली लोग गूगल पे ढूंढते हैं। देखिए, गूगल पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पे जो चीज़ें मिलेगी वो 100% प्रूफ रीडिंग के साथ नहीं मिलेगी। अगर आपको 100% प्रूफ रीडिंग के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको जो है ना, तो यहाँ पे जो चीजें मिल रही है 100% प्रूफ रीडिंग के साथ मिल रही है। हेलो, अब बोलिए। मेल 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 पे, मेल पे चेक कीजिए। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है ना? हाँ, तो आईडी नोट कर लीजिए, 863 863 862 722 725 725। सोनू जी, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो मैं आपको म्यूट कर, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है मैंने आपको म्यूट कर दिया। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि ओपन वर्कबुक, वन टाइम में आप कितने फाइल को ओपन करेंगे, वर्कशीट की साइज, वर्कशीट की साइज क्या होगा, कॉलम हाइट, ये हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको कैजुअली आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, एक बार इसको कैजुअली पढ़ लेना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्या जरूरत है इसको जानने की। जैसे कि हम बात करते हैं कॉलम विड्थ की, 255 कैरेक्टर कि इसको यहाँ से इतना बड़ा हम कर दें तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि कितना बड़ा ये इसका फाइल साइज होगा, जितना होना होगा उतना हो जाएगा, हमें क्या जानने की ज़रूरत है। हेलो आईपीटी,
जी हाँ हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं आपको। मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ इसी नंबर पे सर, ठीक है? अभी मैं क्लास में था, इसी नंबर पे कॉल बैक करूँ ना? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि कॉलम विड्थ हम क्यों यूज़ करें, तो क्या ज़रूरत है हम इसकी सेटिंग को जानने की। उसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या प्रॉपर लगी रहती है, क्या पड़ी है। देखिए, नॉर्मल अक्सर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिमिटेशन से जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वीवीए मैक्रो यूज़ कर रहे हैं तो वीवीए मैक्रो में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वीवीए मैक्रो के अंदर में आपको जो है कोई भी चीज़ के लिए करेक्टर में लिखना पड़ता है। जैसे मुझे कॉलम की विड्थ है तो उसके लिए मुझे जाके कोड लिखना पड़ेगा कि रेंज कॉलम ए बाई ए विड्थ इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर। अगर वो पर्टिकुलर नंबर हमारे इस लिमिटेशन से ज़्यादा हुआ तो एरर आ जाएगी। मान लीजिए कल के डेट में आप प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा कॉलम विड्थ आपको चाहिए, तो वहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी फिर आपको। तो उस केस में जो है हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे, आपको पता होगा तो आप इसके बेनिफिट ले लेंगे और आप उसको एरर को से सॉल्व आउट कर लेंगे कि आपका एरर इसलिए आया हुआ है। ठीक है सर, तो एक बार इसको केजुअली आप पढ़ लीजिए। ऐसे दूसरा कोई बात करें तो जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम लोग इफ फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसे बच्चे पूछते हैं कि हम कितने नेस्टेड इफ लगा, कितने इफ के अंदर दूसरा इफ नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर एक्सेल लिमिट्स कहता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर दैट सेल कंटेन 32,767, 32,767। तो इफ आपका 32,767 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही करेक्टर 32,767 से ऊपर हुआ, ऐसे ही आपका यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। तो कैसे करेक्टर, कितने करेक्टर है? तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः, ऐसे 32,000 करेक्टर तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसको याद कर लेंगे, सही रहेगा। सुरु जी को डाउट तो नहीं है आपको? ओके, अब इसमें बात करते हैं कि अगर मुझे एक्सेल के किसी लिमिट्स किसी चीज को जानना है तो कैसे जानेंगे। जैसे मुझे पता करना है कि मान लीजिए कभी भी क्या होता है ना कि 5-6 महीने बाद आपको ऐसा हुआ कि आप कुछ चीज़ें भूल गए, कुछ चीज़ें आपको याद ही नहीं है, कुछ चीज़ें आप भूल गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में जो है हम यहाँ पे मतलब कि कर्सर रखेंगे कहीं भी। मान लीजिए कि मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में जानना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का जस्ट कर्सर रखे तो इसके बारे में आपको स्क्रीन टिप्स आ जाती है कि इजली स्पॉट चेंज द पैरामीटर्स योर यूजिंग द बार्स कलर एंड आइकन टू विजुलाइज द हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यू। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर दूंगा। तो F1 प्रेस करते ही क्या होगा कि वो हेल्प को खोलेगा और ऑटोमेटिकली हेल्प के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सर्च करेगा। तो मेरे सामने से खुल के आएगी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगी। हाय हाय, ठीक है। आज में सर
ऐसे किसी भी कंडीशंस को जानने की आप जानना चाहें तो आप इसी चीज को यूज कर सकते हो। अब सुनो जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट तो मेरे पास आता है, और नेक्स्ट ये आता है शॉर्टकट्स, कि अगर मुझे शॉर्टकट्स पता करने हो। सबसे पहले शॉर्टकट्स क्या, क्यों यूज होगा? देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप शॉर्टकट के जरिए यूज कर सकते हैं। जनरली आप लोग कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ, इस ऐसे शॉर्टकट्स यूज करते हैं ना आप। तो शॉर्टकट्स क्यों, मतलब कि जब हम यूज करेंगे, देखिए सर्वे में पता चला है कि अगर आप एक्सेल माउस के जरिए काम करते हैं और शॉर्टकट के जरिए काम करते हैं, तो माउस के जरिए आप काम करते हैं उससे 30% जो है आपकी स्पीड बढ़ जाती है कीबोर्ड के जरिए, हाँ शॉर्टकट से। तो मुझे कीबोर्ड कैसे पता चलेगा? तो कीबोर्ड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पता करने के लिए आप जो है अपने इसमें फार्मूला नहीं, मतलब कि जो भी जिसकी कीबोर्ड पता करना है उस पर कर्सर ले जाएंगे ना, तो आपको वहां पे उसके कीबोर्ड पता चल जाएगा। ठीक है, 19 तारीख को भेजा है, हाय भेजा था, पता चल गया ना, कंट्रोल वी दिख रहा है ना सर शॉर्टकट। अगर आपको लिस्ट चाहिए, एक शॉर्टकट का लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप F1 प्रेस कीजिए और F1 में जाइए और वहां पे आप F1 में हेल्प शॉर्टकट जो है प्रेस कीजिए, शॉर्टकट सर्च कीजिए। मतलब शॉर्टकट के लिए भी आपको गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सेल हेल्प में ही मिल जाएगा। यहां मिल गया आपको एक्सेल शॉर्टकट इन एक्सेल, मिल गया सर, यही भी आपके सारे शॉर्टकट्स एंड डिस्क्रिप्शन है। तो F1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे इसके लिए अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। देखिए इसको अगर आप रट्टा मार लोगे ना, संस्कृत की श्लोक की तरह अगर आप इसको रटने लगोगे, कपूर गौरम करुणा अवतारम, तो याद होने वाला नहीं है, इसको स्लाइज करना पड़ेगा। डेली बेसिस में आपको हर एक की को इंस्लाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इंस्लाइज? हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप डेली बेसिस में ऑफिस में जो काम करते हैं उस काम को उसमें से आप 2-3 घंटे ऐसे टाइम निकालें जो कि माउस को बिल्कुल यूज मत करें, हर एक काम आप कीबोर्ड से ही करें। हाँ, तो 2-3 घंटे आपको जो है ना धीरे 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 पूरा ऑफिस लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको हर एक चीज को जानने लगेंगे। ठीक है सर, अब चलिए आगे बढ़ते। अब मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि आप हर काम को कीबोर्ड से करो, लेकिन हर काम कीबोर्ड से हो इज पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स नहीं है। हेलो, हाँ जी दीदी, कोई बात नहीं, थैंक यू, ओके ओके। तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड का जैसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे ना सर, तो ऊपर देखिए मेनू बार में एक लेटर आ जाए, लेटर आ गया। अब मुझे होम मेनू के अंदर ऑल्ट ऑल्ट की मतलब ओनली फॉर ऑल्ट की प्रेस करते हैं आपके, देखिए
कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे ना, तो प्रेस करते हुए ऊपर, हाँ ओनली फॉर ऑल्ट, तो आपने सामने दिखा नहीं आपको, यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं एच प्रेस करूँगा, क्योंकि होम मेनू में जाना था तो उसके सामने एच था, तो मैंने एच प्रेस किया, तो इसके अंदर जितने भी मेनू बार में जितने भी कमांड है सबका एक एक लेटर मिल जाएगा। अब आपको जो ऑप्शन अप्लाई करना है, जैसे मुझे बुर्रा अप्लाई करना है, एच एच आपने देखे, यहाँ पे देखिए ये एच है ना, यहाँ पे मेनू बार में होम के आगे, तो मैं एच प्रेस करूंगा तो होम मेनू बार के अंदर आ गया ना, उसके अंदर जितने मेनू बार है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो पहला अल्ट दबाओगे तो पहला जो करेक्टर आएगा वो मेनू बार के आएगा, दूसरा दबाओगे तो फिर आपको वहां पे आएगा, तो बी बी फॉर बॉर्डर, और इसमें आपका ऑल्ट ऑल बॉर्डर के लिए अगेन ए अप्लाई हो गया। ऐसे मुझे मान लीजिए कि डेटा मेनू बार में कुछ अप्लाई करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो डेटा मेनू का आए बार के आगे जितने भी है, जैसे कि यहाँ पे क्या है ए है, तो मैं वापस ए प्रेस करूँ तो डेटा मेनू बार खुल गया ना। ऐसे इसमें जो चीज़ चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि जो काम जो है, वो सारे तो हर काम को आप कीबोर्ड के जरिए कर सकते हो ऑल्ट की के साथ, मेनू बार में जहाँ आपका ये पहुँचेगा वहाँ ये आपका माउस कर्सर भी पहुँच सकता है, ठीक है सोनू जी। तो सोनू जी आप क्या कीजिए, आप ऑल्ट F1 प्रेस करके मेनू होम मेनू बार में, सॉरी F1 प्रेस करके आप हेल्प में जाइए, और हेल्प में जाने के बाद जो है ना आप पहले लिमिट्स को पढ़िए, देन शॉर्टकट्स को पढ़िए। जयदीप जी भी आज नहीं आए, इंटरनेट प्रॉब्लम थी, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे एक्सेल की सेटिंग्स और एक्सेल की टैम्पलेट्स इस सबों के बारे में। अभी शुरुआत में बेसिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको आता है कुछ चीज़ आपको नहीं आती है। तो जो चीज़ें नहीं आती है वो सीखना पड़ेगा ना, इसलिए आपको बेसिक से मैं हर एक टॉपिक लेके चलूँगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेसिक पढ़ने में, ठीक है। तो सर कल मिलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके भेज देता हूँ आपको।